शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेरी बीवी के हाथों के पकौड़े सबसे बढ़िया, सबसे टेस्टी, अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, कुछ भी कहो, बहुत बढ़िया। सुनो ही? आजकल कन्नू कथक सीख रही है। पता है, कुछ सीखा भी कि नहीं अभी तक? वो तो पता नहीं मुझे, पर प्रैक्टिस तो करती रहती है। लेकिन आजकल उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा उसी तरफ है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि आजकल उसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता? पढ़ाई तो वो करती है, लेकिन जब सारी एनर्जी दूसरी चीजों में चली जाएगी तो पढ़ाई ठीक से तो नहीं होगी ना। आपको नहीं लगता इस बारे में माँ जी से बात करनी चाहिए आपको? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं माँ से बात करूंगा। अरे ये खत्म करिए ना। अरे खा तो रहो, मैं ही तो खा रहा हूं जब से। वैसे भी आज मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो कहोगी करूंगा। अरे भैया क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं, कुछ अजीब सा सुबह से लग रहा था। तो भैया मैं डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। भैया तो पेट का दर्द बता रहे थे, इसीलिए काम छोड़कर घर आ गए और यहाँ मजे से पकौड़े खा रहे हैं, भाभी के साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं। समीर भैया की कोई तबीयत खराब नहीं हुई है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अंबर, तुम जल्दी से चेंज कर लो, लो नीचे सब वेट कर रहे खाने पर। हाँ यस मैम, जैसा आप कहें। तुम चलो नीचे, मैं दो मिनट में आता हूँ। हाँ नियति। क्या बोलो ना, क्या हुआ? नीचे जाने से पहले तुम अपनी ये लिपस्टिक ठीक कर लेना। पागल। नियति इधर आओ। एक बात बताओ मुझे, तुम पर फिर से विश्वास करके मैंने फिर से कोई गलती की या कोई गुनाह कर दिया? वैशाली, क्यों खेल रहे हो हमारे साथ ये दोहरा खेल? खेल? हाँ खेल। इस खेल में बिसात भी तुम ही बिछाती हो, मोहरे भी तुम ही सेट करती हो, और जाहिर सी बात है कि चाल भी तुम्हारी होगी, है ना? लेकिन मम्मी जी, मैंने किया क्या है? ओह, तो ये भी तुम मेरे मुंह से सुनोगी? लो खुद ही देख लो, अपनी आंखों से देख लो अपनी कट्टू। अरे
लगता है मम्मी जी को मेरा और अंबर का यूं बिना बताए घूमने जाना अच्छा नहीं लगा। शायद इन्हें इस बात से एतराज है कि मैं घर का काम काज छोड़कर बाहर गई। मम्मी जी, हम ऑफिस से दोनों ही जल्दी फ्री हो गए थे, फिर पापा के केस के काम से गए और फिर घूमने चले गए थे। घूमने चले गए थे या इस घर की इज्जत को नीलाम करने चले गए? मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? ये मैं नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं। मुझे मत देखो, इन तस्वीरों को देखो जो तुम्हारी नियत की साफ साफ चुगली कर रही है। एक तरफ तुम अतुल को पुलिस से पकड़वाने का नाटक करती हो और दूसरी तरफ कनिका को अतुल से मिलवाती हो। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। चुप! लेकिन मम्मी जी मुझे खुद इस बारे में नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो खुद हैरान हुई सब। मैंने कहा ना चुप। ये फोटोज कहां से आ गए? मैंने तो नहीं खींचे। फिर किसने? कौन से जन्म का बदला ले रही हूँ? बोलो, क्यों खेल रही हो हमारे साथ ये गंदा खेल? ये कोई खेल नहीं खेल रही मॉम। इसने कनिका को अतुल से नहीं मिलवाया, मैं भी था ना इसके साथ। आप एक काम कीजिए, आप कन्नू को बुलवाइए, वही बताएगी सच क्या है। बड़ी, जाओ जाके उसे बुला के लाओ। ताथई तथथई ताथई तथथई। अरे भाभी, भाभी आइए ना, आइए और बैठिए, देखिए कि मैं स्टेप्स ठीक से कर रही हूँ या नहीं। कनु, तुम्हारे स्टेप्स सही हैं या नहीं वो तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। आजकल जो स्टेप्स तुम उठा रही हो उनमें से कुछ चुने हुए स्टेप्स दिखाने के लिए। कनिका दरम, आज तुम कहीं बाहर गई थी? हाँ भैया, वो मेरी फ्रेंड को दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो उसी के साथ गई थी मैं। कौन सी फ्रेंड के साथ गई थी? क्या नाम है उसका? अतुल? किससे पूछ कर गई थी? बोलो, किससे पूछ कर गई थी? माजी ये मुझसे पूछ कर गई थी। दिवाली की शॉपिंग की बात थी, मैंने इसलिए जाने दिया। अब सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें अतुल से मिलवाने कौन लेके गया था? नियति? क्या जवाब दूं मैं भैया को? एक वैशाली भाभी है जो हर तरह से मुझे सेव कर रही है और एक नियति भाभी है जो हर तरह से मेरे और अतुल की राह में
कांटे बो रही है। क्यों करूं मैं इनकी परवाह? बोलो कनिका, क्या तुम्हें ये ले गई थी तुमसे मिलवाने? हाँ। मुझे मिलवाने ले गई थी और कहा आपको इस बात का पता ना चले। आई एम सॉरी मां। जाओ अपने कमरे में। सुन लिया अंबर, बड़ा विश्वास था ना इस पर। अरे जब इसने तुम्हें अंधेरे में रखा तो हमें क्या बताएगी? बर्बाद करके रहेगी हमें ये। बात तो सुनो दिव्यानी, जरा ठंडे दिमाग से। अब मुझे एक और कुछ नहीं सुनना है। अरे इसके पहले कि पानी सर के ऊपर से चला जाए, हमें कन्नू की शादी कर देनी चाहिए। आप उस दिन वो श्रीवास्तव जी के बेटे की बात कर रहे थे ना, आप वहाँ पर कन्नू की बात चलाइए। और अगर कन्नू उन्हें पसंद आ गई ना, तो हम शुभ मुहूर्त देख कर जल्दी ही कन्नू की सगाई कर देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? अपने एक शक की वजह से इतनी जल्दबाजी में तुम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खेलना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि नियति ऐसा कर सकती है? अरे उसने तो सबके सामने अतुल को थप्पड़ मारा, यहाँ तक कि उसे हवाला तक भिजवा दिया। कोई वजह भी तो हो, क्यों करेगी वो ऐसा? ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों करेगी ऐसा। आपकी ये नियति और किसी चीज की चैंपियन हो ना हो, पर चाले चलने में बहुत बड़ी चैंपियन है वो। जितनी वो जमीन के ऊपर है ना, उससे दुगनी वो जमीन के नीचे है। मैं भला उसके कर्तव्य क्या सब चुकी, पर मैं इतना जानती हूँ इस बार मैं गलत नहीं हूँ। ये सब उसी का किया धरा है। तुम्हें तो उसके बारे में पहले भी कई बार गलत फहमियाँ हो चुकी। हाँ, अब तक जो थी वो गलत फहमियाँ ही तो थी, लेकिन इस बार मुझे नियति को लेकर कोई गलत फहमी नहीं। आपने वो फोटो देखी है ना? अरे उसमें कनिका और अतुल के साथ साफ साफ नियति दिखाई दे रही थी। हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन हमेशा आंखों का देखा सच नहीं होता। इंसान को आंखों से ज्यादा अपने विवेक के ऊपर भरोसा करना चाहिए। दिव्या, हम इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच के बाद ही अपनी राय कायम करेंगे। जी नहीं, बस मुझे इस बारे में और कोई राय कायम नहीं करनी है, और ना ही मुझे अपना फैसला बदलना है। जो मैं सोच चुकी हूँ वो सोच चुकी हूँ। अब बस श्रीवास्तव जी से कनिका के रिश्ते की बात कीजिए, यही मेरा फैसला है। क्या कह रही हैं दीदी आप? मैं ठीक कह रही हूँ नियति, और बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। आज तक जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है, उससे तो यही समझ आता है कि हम लोगों को बीमारियां मोल लेने की आदत पड़ चुकी है।
और हम लोग उन पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक वो लाइलाज ना हो जाए, जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अरे हम लोग उन बीमारियों को अपने आसपास फटकने क्यों देते हैं, दूर से भगा क्यों नहीं देते नियति, तो तकलीफ ही नहीं होगी ना। देखो नियति, मैं तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं नहीं जानती कि कन्नू पे ऐसा कौन सा प्रेशर है जो वो ऐसा सफेद झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ वो ये झूठ क्यों बोल रही है। जब कोई किसी रिश्ते में बन जाता है तो अचानक उसे तोड़ देना मुश्किल होता है, और उसे भूल पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन अतुल जैसा लड़का, जो कि हम सब जानते हैं कि वो लड़का बुरे वक्त में कन्नू का साथ नहीं देगा, ऐसे में कन्नू का रिश्ता उससे जुड़ जाए और कन्नू पूरी जिंदगी पछताए, नहीं ये तो हम नहीं उन्हें दे सकते ना। अरे कन्नू तो नादान है लेकिन हम लोग तो समझदार हैं। उसकी हर मुसीबत में हमारा फर्ज बनता है उसका साथ देना। कभी अपने बारे में सोचा है, तुम्हारा अपने लिए भी कोई फर्ज बनता है ना नियति? मैं मानती हूं कि दूसरों को मुसीबत से बचाना अच्छी बात है, पर अपने आप को मुसीबत में डालकर नहीं, बदले में तुम्हें ही गलत समझ लिया जाता है नियति। क्यों अंबर? एब्सोल्युटली। इस बार मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी नियति। हम सब जानते हैं कि कन्नू झूठ बोल रही है, इसलिए उस लड़के को बुलाओ, जब वो अपने मुंह से सच बताएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा था पहले, लेकिन फिर सोचा अतुल को बुलाकर क्या फायदा, जब अपने ही गैर हो चुके हैं तो वो तो है ही गैर, और अगर उसने सच बोल भी दिया तब भी मम्मी जी तो झूठी समझेंगी ना। हाँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए दीदी, मुझे यकीन है झूठ का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए उजाले की एक हल्की सी लकीर भी काफी होती है, और मेरे साथ तो सुबह का आसमान है, फिर अंबर है ना अंबर? कोई शक? सच कहा नियति तुमने, अगर हम सफर साथ हो तो किसी भी अंधेरे से डर नहीं लगता। मेरी तो जिंदगी ही अंधेरे में जाने वाली थी, तुम्हारी तरह मेरे हमसफर ने भी मेरा साथ दिया और मैं बच गई।